नहीं, बहुत बार हमने चुनाव लड़े हैं और आदमी आने जाने में तंग तो होता ही, जनता ही एक तरफा करती। कहाँ मान रहे चुनौतियाँ? और मैं नहीं मानता कि चुनौती मिलेगी। सरकार में नरवीर सिंह आएगा तो फिर हमारे काम होंगे, आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन नेचर मान जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। नॉमिनेशन का दौर चल रहा है और ऐसे में पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह भी अपने नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? बहुत ज्यादा कोई जनसभा रोड शो आप नहीं कर रहे हैं, क्या कारण? नहीं, बहुत बार हमने चुनाव लड़े हैं और नॉमिनेशन भरा, आपका आठवीं बार मैं नॉमिनेशन भरने जा रहा हूँ। अब कई ये गर्मी बहुत थी और एक इच्छा थी कि जब हम जब फार्म भरने जाते तीन चार आदमियों को अंदर जाने दिया जाता है, तो चुनाव चलते चुनाव में एक जनसभा माननीय अमित शाह जी की होगी और वो चुनाव के आखिरी हफ्ता में मिलूंगा, तो लोगों को तब बुलाया जाएगा। आज के दिन मैंने लोगों को तंग करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि गर्मी का महीना है, आम आदमी आने जाने में तंग तो होता ही है। एक तरफा है या कहीं चुनौती लग रही है? चुनाव हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, जनता ही एक तरफा करती, जनता ही चुनौती करती। आने वाले 8 तारीख को ही पता लगेगा कितना मुकाबला हुआ, कितना मुकाबला नहीं हुआ और आम आदमी ने किस आदमी को पसंद किया, परिणाम ही बताते हैं। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, थोड़ा इंतजार जरूर हुआ, अब वर्धन यादव जो है वो उम्मीदवार है, क्या लग रहा है कि वहाँ कुछ चैलेंजेस रहेंगे या फिर एक निर्दलीय उम्मीदवार भी है कुमुदनी दौलताबाद, कहाँ मान रहे चुनौतियाँ? कह नहीं सकता मैं तो, अपने आप जो भी प्रत्याशी होता है ना, अपने आप को कोई चुनौती नहीं मानता, ये जनता ही फैसला करती है। और मैं नहीं मानता कि चुनौती मिलेगी, सब चुनाव लड़ेंगे अपने पर, जनता फैसला करेगी। बहुत सारे मुद्दे भी हैं, खासतौर से आपकी विधानसभा की बात करें, गुरुग्राम की भी बात कर लें, तो ये जब लोगों के बीच अब आप क्योंकि लगातार जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें सामने भी आ रही होंगी। सबको पता है कि एकदम ये समाधान नहीं हो सकता। आम लोगों को ये पता है कि नरवीर सिंह 14 से 19 तक मंत्री रहा, तो जो कुछ लोगों ने कहा वो किया, इसलिए लोगों को विश्वास है कि सरकार में नरवीर सिंह आएगा तो फिर हमारे काम होंगे। और फिलहाल तो आचार संहिता है, इसलिए हम किसी काम की हाँ भी नहीं भर सकते, बस सिर्फ ये है कि लोगों को विश्वास है और वो वोट डाल रहे हैं। जो नाराजगी भी हुई टिकट बंटवारे के बाद, क्या लग रहा है उसका फर्क पूरे हरियाणा में या कहीं भी पड़ता दिखेगा, या ये जो रूसे हुए हैं कुछ दिन बाद मान जाएंगे? नहीं, स्वाभाविक है, जब कई प्रत्याशी होते हैं एक मैदान में तो उनको उम्मीद होती टिकट की नहीं मिलती तो नाराजगी होती है। लेकिन कुछ हमारी भी तो टिकट कटी थी, हम तो इतने नाराज नहीं, हमने कोई बाइट दी ना, हमने खिलाफत करी, आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन नेचर मान जाएंगे और सब पार्टी के साथ काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये हमारे साथ है पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह, और फिलहाल अभी कोई बड़ी रैली या कोई रोड शो नहीं कर रहे हैं, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा गर्मी है, ट्रैफिक भी जाम होता है, और यही है कि अमित शाह जो है अगले एक सप्ताह भर बाद एक बड़ी जनसभा में शामिल होंगे और उसी का इंतजार और उसी की तैयारी भी जो है कहीं ना कहीं चल भी रही है। नमस्कार।